असमर्थ? वो तुम्हारे कॉल मी सैम। दादी के अलावा मुझे कोई असमर्थ नहीं बुलाता। तुम्हारी दादी को पता चल गया कि तुम घर से भाग गए हो। व्हाट? हाँ, और तुम्हारे माँ बापा को भी पता चल गया कि तुम समर कैंप में नहीं हो। अरे बच्चों, बच्चों जल्दी इधर आओ। ठाकुर कटिंग, वृंदा, दिनू इधर आओ, इधर आओ। अरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चेतना जी को पता चल गया है कि सैम घर से भाग गया है। उनको सैम को बताना पड़ेगा बे। नहीं, मैंने बात की है सैम से, लेकिन वो लेकिन क्या वो अभी भी नहीं चाहता कि चेतना आंटी को पता चले कि वो यहाँ है। हाँ, समझ का पता चला। अच्छा देखो, जैसे ही कुछ पता चले फौरन फोन कर देना मुझे। ठीक है। मैडम जी, ये तो बड़ा बुरा हुआ। अब पता नहीं वो कहाँ होगा। वैसे भी जमाना बहुत खराब है। हाँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब यहाँ क्या करेंगी मैडम जी? अब आप वहाँ होती तो कोई बात थी, अभी यहाँ रह के आपको क्या पता कि वहाँ क्या चल रहा है। मुझे अभी वहाँ जाना है। क्या हुआ? मुझे वहाँ जाना है। मुझे मुझे समर्थ को जाके ढूंढना होगा। मुझे वहाँ जाना है अभी। अभी जाना होगा मुझे, समर्थ को ढूंढना है जाके। मेरा समर्थ। चेतना आंटी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। समर्थ बिल्कुल ठीक है। ईशा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सॉरी फॉर दैट। और मुझसे सॉरी कौन बोलेगा समर? दादी, तुमने बताया ना, सॉरी कह रहा था ना। डैम यू ईशा। समर्थ, तुम यहाँ आए कैसे और क्यों? मैं तो बस आपके क्लोज रहना चाहता था। आपके पास रहने में मैं खुश था, लेकिन इसने सब बता दिया आपको। अब आप मुझे वापस यूएस भेज देंगे ना दादी? नहीं दादी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो आपको साथ लेकर जाऊंगा। बोलो, आप चल रहे हो ना दादी? हाँ बाबा, चलूंगी तुम्हारे साथ। कितना होनहार लड़का है, जो मैं नहीं कर सकी वो उसने कर दिया। चेतना की यहाँ से छुट्टी। चेतना आंटी को इधर आना ही चाहिए था। दिखाना इतनी चाहिए था कि अपुन की भी लाइफ एकदम मस्त हो सकती है। अब तो अपुन की लाइफ एकदम पहले के माफिक हो जाएगा। वही एकदम सड़ेली। ओह भाग्य हमारे जो आप स्वयं पधारे। हमको तो लगता है कि आप साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पे पधारे हैं हमारी दुख हरने के लिए। देखो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। चेतना नहीं जाएगी तो क्या हुआ? पहले भी तो कोई नहीं था ना हमारे लिए, बस हम थे एक दूसरे के लिए, है ना? फिर से वैसा ही होगा।